सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं संदीप जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि MI के A3 फ़ोन को हार्ड रिसेट कैसे करें। मेरे पास ये एक फ़ोन है MI का A3 और इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये हैंग हो रहा है और काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो इसको हमें हार्ड रिसेट करना पड़ रहा है। तो इसको मैं पूरा बताऊँगा किस तरीके से इस फ़ोन को हमको हार्ड रिसेट करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भी आपका इसमें जो डाटा है उसको किसी पेन ड्राइव में निकाल लें और इसके जो सिम है उसको भी आप सिम बाहर निकाल लें, नहीं तो जो है आपके जो सिम का डाटा है या आपका जो फ़ोन का डाटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको हार्ड रिसेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये MI का A3 फ़ोन है जिसको हमें हार्ड रिसेट करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ये प्रॉब्लम कर रहा है, हैंग हो रहा है और बहुत दिक्कत आ रहा है, या फिर कभी पैटर्न लॉक लग जाता है तो हम भूल जाते हैं, तभी हमें हार्ड रिसेट करना होता है। तो हम इसको अब हार्ड रिसेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो चलिए वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको आपको स्विच ऑफ कर लेना है। तो हम इसको ऑफ कर लेंगे तो जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा ऑफ हो रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और हाँ, उससे पहले आपको करना क्या होगा, इसमें से जो इसका जो सिम है या फिर आपकी जो मेमोरी कार्ड है, आपका जो डाटा है वो आप इसमें से निकाल लें पहले, नहीं तो जो आपका साथ जो डाटा है वो भी आपका इसमें से उड़ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से ही इसमें से ये निकाल रखा है। तो देख सकते हैं ये ऑफ हो चुका है। अब आपको करना क्या होगा, इसमें दो बटन आपको दबाने होंगे, एक पावर का बटन, एक वॉल्यूम अप का बटन। तो आपको इसको दोनों को एक साथ प्रेस कर देना है और जैसे यहाँ पर एक आइकन खुलेगा, ऑन होगा, और यहाँ पर अभी देख सकते हैं एक विंडो खुल जाएगी। इसको आपको पावर बटन को छोड़ देना और इसको भी छोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ रहा है नो कमांड। तो हमने अभी तक इसमें कोई कमांड नहीं दी है, तो अब आपको करना क्या होगा, इसमें हमें कमांड देनी है। तो हम इसको फिर से पावर बटन को प्रेस करेंगे और एक बार अप बटन को दबा देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है यहाँ पर। तो हमें नीचे करना क्या होगा, इसे थोड़ा सा नीचे आपको इस बटन से डाउन करना है। डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर आना है जो लिखा हुआ है वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट, इस पर ले जाकर पावर बटन को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद अब आपको करना क्या है, इसको कैंसिल नहीं करना है, फैक्ट्री जो डाटा है रिसेट इस पर ले जाके नीचे इसको फिर से आपको पावर बटन को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ प्रोसेसिंग यहाँ पर चालू हो चुकी है, जो भी आपके फ़ोन में जो डाटा था वो इरेज हो चुका है। तो आप इसको एक बार फिर से कर दें, फिर से वही करके इसको नीचे ला के फिर से प्रेस कर दें, जो आपका जो इसमें जो डाटा है सारा की सारा डिलीट हो चुका है। अब जो इसमें अभी आपको दिख नहीं रहा है, तो देख सकते हैं रिबूट सिस्टम नाउ, तो इस पर ले जाकर इसको फिर से पावर बटन प्रेस कर दें, यानी कि ओके कर दें। तो जैसे आप इसको करेंगे तो जो आपके जो फ़ोन का जो डाटा है वो यहाँ पर रिसेट, जो डाटा है वो सारा इरेज हो जाएगा, जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो हमारा जो जितना जो डाटा था इसमें से सारा डिलीट हो चुका है और अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पूरा फ़ोन अभी ये पूरा रीस्टार्ट अपने आप। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टार्ट का ऑप्शन आ चुका है, तो हम यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको स्किप का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद अगर आपके पास कोई नेटवर्क है वाईफाई का तो आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और आप होम नेटवर्क हमारा जो दिखा रहा है हम इसको कनेक्ट कर देंगे, सॉरी तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, पासवर्ड डाल दिया, इसको हम कनेक्ट करेंगे। देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है वो रेडी हो रहा है। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर डू नॉट कॉपी पे क्लिक करेंगे। सिंपली अब आपको इसमें मेल आईडी जो आपकी है पहले वाली उसको हम डाल देते हैं इसमें, इसमें पासवर्ड भी डाल दिया, सिंपली इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आई एग्री, तो अब इसको आपको मोर पे जाना है, फिर से मोर पे जाना है और इसको एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पर आपसे कोई पिन अगर आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, यहाँ से भी हम स्किप कर देंगे।
फिर से मोर पे जाएंगे, आई एग्री कर देंगे, फिर से मोर पे, फिर आई एग्री, तो मांग रहा है यहाँ पर ओके गूगल, देख सकते हैं। फिर से आपको ओके गूगल कर देना है, फिर से एक बार फिर आपको हाय गूगल, हाय गूगल, तो देख सकते हैं ये हमारा, इसको हम आई एग्री कर देंगे। और यहाँ से आपको नो थैंक्स कर देना है, और यहाँ देख सकते हैं फिनिश का ऑप्शन आ चुका है, इसको हम फिनिश कर देंगे। तो जो आपका जो फ़ोन था वो आप देख सकते हैं चालू हो चुका है बिल्कुल, और आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप यूज़ होगा। और हम आ जाएंगे प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में यहाँ पर आपके आइकन में जाना है, और यहाँ पर माई ऐप में आ जाना है, और यहाँ पर भी जो जितने अपडेट मांग रहा है ये सबको आपको अपडेट कर देना है। देख सकते हैं हमारे जो पूरे जो ऐप हैं वो सारे अपडेट हो रहे हैं, चलिए इसको होने देते हैं अपडेट। तो फाइनल दोस्तों जो हमारे सारे ऐप जो थे वो अपडेट हो चुके हैं, तो उसको बैक कर देंगे, जो अपडेट रह गया है वो होता रहेगा। और अब हम इसमें सिम डाल देंगे, और अभी देखते हैं अब सिम जो है हमारा, सिम भी यहाँ पर चालू हो चुका है, तो देख सकते हैं जो हमारा जो फ़ोन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने MI के फ़ोन को हार्ड रिसेट कर सकते हैं, पर यही बात ध्यान रखना कि हार्ड रिसेट करने से पहले अपना जो डाटा है वो किसी पेन ड्राइव में निकाल लें, और सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड ज़रूर बाहर निकालें, उसके बाद ही आप इसको हार्ड रिसेट करें। और हाँ, इसकी जो मेल ID है वो भी आप हमेशा याद रखें, क्योंकि वो भी बहुत आपके काम आ सकती हैं। अगर वो भी आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको MI का A3 फ़ोन को हार्ड रिसेट करना बता दिया है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कभी भी आप किसी भी फ़ोन को हार्ड रिसेट मारेंगे तो अपना मेमोरी कार्ड और अपना सिम कार्ड और जो आपका पर्सनल डाटा है वो किसी पेन ड्राइव में अलग से निकाल लें, नहीं तो जो आपका डाटा है वो सारा का सारा उड़ जाएगा। और हमेशा अपनी एक मेल ID बना के रखें जो कि आप हमेशा यूज़ करते रहें, नहीं तो बार बार मेल ID आप चेंज करते रहेंगे, कभी कभी ऐसा अपडेट आ जाता है कि आप पुरानी नया मेल ID डालते हैं तो हमेशा पुरानी मेल ID ही मांगता है, तो इसलिए अपनी मेल ID हमेशा याद रखें, वो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर ये सब जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।